हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु सेंगर है। आज हम लेके आए हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ट्रान वन से रिलेटेड, जो आपकी क्वेरी आ रही हैं उन सबको एक जगह कंपाइल किया है। प्लस जितनी भी हमें टेबल्स फिल करनी है उसमें क्या क्या पॉइंट्स फिल करने होंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा और किसे कौन सी टेबल फिल करनी है, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि क्यों हमें डिटेल भरनी है और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी फिल करने से पहले। आप मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल क्वेरीज पे आते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है ट्रान 1 की ड्यू डेट क्या है। जिसे GST R 3B में क्रेडिट लेना है ट्रान 1 से रिलेटेड, उसे 28 अगस्त तक फिल करनी होगी ट्रान 1, अदरवाइज 28 सितंबर तक ड्यू डेट है, तब तक आप फाइल कर सकते हैं। इसलिए डिटेल्स कंपाइल कीजिए अपनी, 20 सितंबर तक का टाइम है। उसके बाद भी 90 डेज कमिश्नर आगे बढ़ा सकता है डेट, ऐसा प्रोविजन रखा गया है अभी, लेकिन आप 20 सितंबर 2017 ही ड्यू डेट मान के चलिए क्योंकि बाद में चेंज होगी या नहीं होगी ये कोई भी नहीं जानता। सेकंड क्वेरी है ट्रान 1 रिवाइज हो सकता है या नहीं। रिवाइज नहीं हो सकता, प्लीज़ सबमिशन से पहले पूरी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी ट्रान 1 रिलेटेड रिवीजन नहीं होगा, जो भी अगर आपका मिसमैच रह जाएगा आपको एग्जिस्टिंग एक्ट्स में डील करना पड़ेगा, GST में नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है इनपुट रिलेटेड टू ट्रान 1 इन GST R 3B अगर जुलाई में नहीं लिया तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं। हो सकता है क्योंकि ड्यू डेट 20 सितंबर 2017 तक है। अगर आप बाद में भी रिटर्न फाइल करेंगे 20 सितंबर 2017 या उससे पहले रिटर्न फाइल होगी आपकी ट्रान 1, तो उतना क्रेडिट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर GST R 3B जुलाई में नहीं भी लिया क्योंकि आपने ट्रान 1 जुलाई में फाइल नहीं किया था, तो अगर अगस्त में फाइल करेंगे अगस्त में क्रेडिट ले सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर एक्सेस क्लेम कर लें हम ट्रान 1 में? रिकवरी टैक्स की जाएगी, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा एंड पेनल्टी भी लगेगी सेक्शन 73 एंड 74 के बेसिस पर। इसलिए एक्सेस क्लेम प्लीज मत कीजिए, आपको आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए अब पॉइंट वाइज टेबल वाइज डिस्कशन पे आते हैं। कैसे ट्रांजिशन फॉर्म पर जाना है ये आपको पता ही होगा। GST.gov.in पर जाएंगे, सर्विसेज सेक्शन में जाएंगे, फिर रिटर्न्स पर जाएंगे, उसमें ट्रांजिशनल फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ट्रान 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जो डिटेल्स मांगी हैं जैसे GSTIN नंबर, लीगल नेम एंड ट्रेड नेम, आपने लास्ट 6 मंथ की रिटर्न फाइल की है यस या नो, ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस अभी आपको नॉट फाइल दिखेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। सबमिट के बाद, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ये स्टेटस फाइल दिखने लगेगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं 5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 7C 7D, ऐसे ही 12 तक पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने टेबल्स में किए हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 5A 5B एंड 5C पॉइंट्स में क्या क्या डिटेल फिल करनी है और किसे ये डिटेल फिल करनी है। पॉइंट 5A 5B 5C डिस्कस करते हैं, ये किसे भरना है सबसे पहले समझते हैं। जो पर्सन एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड थे उन्हें भरना है, लेकिन एक और कंडीशन है कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आप पुराने एक्ट का इनपुट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते रिटर्न में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंडीशंस क्या क्या हैं, ITC रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी रिटर्न में, ITC GST एक्ट में भी अलाउ होना चाहिए, मतलब जिस प्रोडक्ट वगैरह स्टॉक से रिलेटेड जो आप ITC कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो GST में भी अलाउड होना चाहिए। ITC उन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर होते हैं, एंड लास्ट 6 मंथ की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हैं तो आप सेंट्रल टैक्स मतलब एक्साइज या सर्विस टैक्स का जो आपको इनपुट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना है वो 5A में भरेंगे, स्टेचुरी फॉर्म्स की डिटेल 5B में भरेंगे एंड स्टेट ड्यूटी टैक्स की डिटेल 5C में भरेंगे। तो 5A पर आते हैं सबसे पहले। 5A बहुत सिंपल है, अगर आपका सर्विस टैक्स या एक्साइज में इनपुट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, टैक्स पीरियड जो लास्ट रिटर्न फाइल की है उसकी डिटेल, कौन सी डेट को फाइल की है, कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना था लास्ट रिटर्न में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना ट्रांजिशनल प्रोविजन में अलाउड है, डिटेल फिल करेंगे एंड सेव कर देंगे। स्टेचुरी फॉर्म्स पर आते हैं 5B पॉइंट पर। इसमें बार बार सवाल आता है मेरे पास कि ये किसे फिल करने हैं, तो डिटेल्स ऑफ स्टेचुरी फॉर्म्स रिसीव्ड फॉर विच क्रेडिट इज बीइंग कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगर आप इनसे रिलेटेड कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहे होगे क्रेडिट तो ही स्टेचुरी फॉर्म्स की डिटेल भरनी है।
एक और सवाल आता है, कौन से पीरियड के लिए? 1 अप्रैल 15 से 30 जून 17 तक के आपको डिटेल भरनी है, 1 अप्रैल 15 टू 30 जून 17 तक। थर्ड क्वेश्चन कि आप ये सारी अपलोड डिटेल्स फिल करनी है, डिटेल्स सारी अगर आपकी 100 से कम है तो ऑनलाइन फिल करनी है, अगर 100 से ज़्यादा है तो अभी एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी आप पे अवेलेबल होगी, उसमें डिटेल फिल करनी है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है करेंटली। इसके बाद फॉर्म्स की डिटेल फिल करेंगे, एड डिटेल्स कर देंगे। आगे चलते हैं 5B में ही, जब एड डिटेल्स करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि है ना, फॉर्म के टाइप्स, टिन नंबर, नेम, सीरियल नंबर ऑफ फॉर्म्स, अमाउंट, एप्लीकेबल वैट रेट। इसमें कुछ सवाल आते हैं कि अगर फॉर्म रिसीव नहीं हुए तो क्या होगा, अगर फॉर्म रिसीव नहीं हुआ तो डिफरेंशियल टैक्स आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इनपुट क्रेडिट कम करना पड़ेगा। अगर सेकंड क्वेश्चन है कि ITC कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा मेरा स्टेट टैक्स से रिलेटेड या UT टैक्स से रिलेटेड, तो हमें फॉर्म्स की डिटेल भरनी है। आई थिंक हमें फॉर्म्स की डिटेल फिल नहीं करनी होगी क्योंकि हम सेल टैक्स या ET टैक्स से रिलेटेड कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो हमें फॉर्म्स की डिटेल फिल नहीं करनी होगी। अगर फॉर्म TRAN-1 के बाद हमें रिसीव होते हैं, TRAN-1 हमने फाइल कर दिया और उसमें रिवर्स भी कर दिया हमने जो डिफरेंशियल टैक्स था, लेकिन अब फॉर्म रिसीव हुए हैं, तो फिर हमें क्या होगा, तो आपको पुराने एक्ट में डील करना पड़ेगा, मतलब वैट में डील करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप अरेंज कर लीजिए फॉर्म्स TRAN-1 से सबमिट करने से पहले, अदरवाइज पुराने एक्ट में डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से आपको रिफंड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये डिटेल्स फिल करने के बाद सेव कर देंगे, बैक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 5C। 5C में स्टेट ET टैक्स आपको फिल करना है, तो ये डिटेल्स फिल करनी है उन्हें जिसका इनपुट क्रेडिट बैलेंस वैट या ET रिटर्न्स में शो हो रहा है, और ITC क्या डिटेल फिल करनी होगी आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैलेंस ऑफ ITC और वैट या एंट्री टैक्स जो लास्ट रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सी फॉर्म्स, एफ फॉर्म्स एंड एच फॉर्म्स की डिटेल भी फिल करनी पड़ेगी कि कितना आपका टैक्स का बेनिफिट था जो फॉर्म्स रिसीव नहीं हुए, वो आपको रिवर्सल देना पड़ेगा। अगर फॉर्म्स पेंडिंग है तो जितना टैक्स का बेनिफिट हुआ था वो रिवर्स करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड आप उसके बाद ही कर सकते हैं। तो मतलब ट्रांजिशन ITC कैसे कैलकुलेट होगा, जो ITC आपका लास्ट रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है माइनस कर देंगे जो ITC रिवर्सल करना है, सी फॉर्म, एफ फॉर्म जो पेंडिंग है, या फिर एच या आई फॉर्म की डिफरेंशियल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है तो उतना आपको टैक्स डिफरेंशियल रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैं पहले ही आपको डिटेल में ही बता चुका हूँ, ऑनलाइन यूटिलिटी कैसे फिल करनी है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पॉइंट 6 से 6B में जाते हैं, 6 से 6B किसे फिल करना है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 का पार्ट है ये, तो पर्सन जो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनके पास कैपिटल गुड्स का अनअवेल्ड क्रेडिट है, क्योंकि पहले कुछ कंडीशन थी कैपिटल गुड्स का हम 50% ले पाते थे सेंट्रल टैक्स में, ऐसे ही वैट में भी अलग अलग स्टेट में अलग रूल थे, एक साथ हमें इनपुट क्रेडिट कई चीज़ों का नहीं मिलता था कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। तो अगर आपका कैपिटल गुड्स है जिसका आपने पुराने एग्जिस्टिंग लॉ में क्रेडिट पूरा अवेल नहीं कर पाया है, मान लीजिए इसी साल प्रोडक्ट खरीदा 50% इस साल अलाउड था, 50% नेक्स्ट ईयर, तो अनअवेल्ड 50% जो क्रेडिट बचा है उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, उसे 6A 6B में हमें डिटेल फिल करेंगे। 6A में सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड एंड 6B में स्टेट ड्यूटी टैक्स से रिलेटेड फिल करेंगे। कंडीशंस क्या है, ITC GST एक्ट में भी अलाउ होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट का ITC GST में अलाउ नहीं है, मान लीजिए मोटर व्हीकल्स का अलाउ नहीं है कुछ केसेस में, तो फिर GST एक्ट में अगर अलाउ है तभी आप आगे अवेल कर पाएंगे। और सेकंड कंडीशन है कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर रहा हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एड डिटेल कीजिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। 6A में आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी इनवॉइस से रिलेटेड एंड सप्लायर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सप्लायर डिटेल, अमाउंट कितना आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। ऐसे ही स्टेट टैक्स से रिलेटेड अगर कैपिटल गुड्स का कुछ इनपुट क्रेडिट अनअवेल्ड है तो उसकी 6B में डिटेल फिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, 7A 7B 7C 7D। 7A के भी दो पार्ट हैं जिसे हमने रखा है 7A 7B, तो डिस्कस दो पार्ट में करेंगे, 7A 7A एक पॉइंट एंड 7C, इन दोनों को मिला के एक साथ कंडीशन डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों सेक्शन सिमिलर लगते हैं। 140 सबसेक्शन 3 लगेगा, 140 सबसेक्शन 4B एंड 140 सबसेक्शन 6,
7A, 7A, 7c में ये तीनों सेक्शंस लगेंगे। तो किसे फिल करनी है कंडीशंस? जो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड थे, या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे नोटिफिकेशन नंबर 26/2012 में, या फर्स्ट स्टेट डीजल डीलर थे या सेकंड स्टेट डीलर थे, या रजिस्टर्ड इम्पोर्टर थे, या डिपो कंपोजिशन स्कीम में थे, जिनके पास स्टॉक इन हैंड है। मतलब ये सारे पर्संस अगर हैं जिसे इनपुट नहीं मिल सकता था पहले, क्योंकि एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे थे या फर्स्ट स्टेट डीलर थे, सेंट्रल टैक्स का इनपुट नहीं मिल सकता था ना, लेकिन अब जीएसटी में लायबल हैं, वो ये फॉर्म फिल करेंगे जिसके पास स्टॉक इन हैंड है। कंडीशंस क्या है? इनपुट गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन जीएसटी आल्सो, मतलब वो गुड्स या सर्विसेज या इनपुट, सॉरी सर्विसेज इसमें नहीं आएगा, गुड्स या इनपुट टैक्सेबल सप्लाई हैं जीएसटी में भी, जीएसटी में भी इनपुट के लिए एलिजिबल हो उस प्रोडक्ट पर। इनवॉइस या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ एंट्री हुई इंपोर्ट के केस में, क्योंकि इसमें इंपोर्टेड भी इंक्लूड है, तो एग्जिस्टिंग लॉ के बेसिस पे पजेशन होना चाहिए इनवॉइस या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट का, ऐसा ना हो कि इनवॉइस ही ना हो। सच इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स जिन उनके टाइम लिमिट क्या है, 12 मंथ्स से पुराने नहीं होने चाहिए, एंड कोई भी अबेटमेंट के एलिजिबल नहीं होने चाहिए जीएसटी में, मतलब कोई भी अबेटमेंट क्लेम नहीं कर रहे हो जीएसटी में। सर्विस टैक्स इनपुट इसमें कवर नहीं है। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये पर्सन इनपुट क्रेडिट ले सकता है, किसका? स्टॉक इन हैंड का। मतलब स्टॉक इन हैंड का आप पे एक्साइज इनवॉइस है मान लीजिए, तो उस एक्साइज पोर्शन का आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। आपको ये कौन सी टेबल में फिल करना पड़ेगा? सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड फिल करना पड़ेगा 7a में। क्या क्या डिटेल फिल करनी है? 7a कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? इसमें सिर्फ एक कॉलम का गैप है, वरना 7a 7b हो जाएगा। कैसे? वेदर ड्यूटी पेड इनवॉइसेस आर अवेलेबल, अगर आप यस कर रहे हैं तो जो कंडीशंस अभी बताई थी वो फुलफिल होती हैं, उसके बेसिस पर आपको डिटेल फिल करनी है। इसमें एक क्वेरी और आती है कि वैल्यू पूछी है, वैल्यू क्या है? इनवॉइस वैल्यू माइनस अवेलेबल इनपुट। आई थिंक मेरे हिसाब से आपका इनवॉइस वैल्यू जो आपकी आ रही है उसमें आपको जो इनपुट अवेलेबल है इसके बेसिस पे आपको वैल्यू निकालनी होगी। मतलब एक्साइज का भी अगर हम इनपुट क्लेम कर रहे हैं तो एक्साइज की वैल्यू हटा देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बनेगी उसे इस कॉलम में फिल करना है। एलिजिबल ड्यूटी आपके पास इनवॉइस में होगी, कितने एक्साइज ड्यूटी पे की है उसके बेसिस पे आपको फिल करनी है। डिटेल्स HSN कोड वाइज आपको फिल करनी है, इनवॉइस वाइज फिल नहीं करनी। ये तो था सेंट्रल टैक्स की डिटेल्स कहाँ फिल करेंगे, जिसके इनवॉइस हमारे पास अवेलेबल हैं और ट्रेडर है या इंपोर्टर है, मतलब जो सारी कंडीशंस बताई वो फुलफिल हो रही हैं। इसके बाद बात करते हैं इनपुट सेल्ड इन स्टॉक वैट एंट्री टैक्स से रिलेटेड। अगर आपके पास इनवॉइस हैं और आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे या आप पहले एलिजिबल नहीं थे इनपुट क्रेडिट लेने के, तो उसकी डिटेल कैसे फिल करेंगे? उसकी 7c में भरेंगे। सिमिलर डिटेल्स हैं, नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, वैल्यू, वैट या एंट्री टैक्स कितना पे किया था, टाइप्स ऑफ गुड क्या है, लाइक सेमी फिनिश्ड है या इनपुट है या फिनिश्ड है, टोटल इनपुट कितना क्लेम किया था अर्लियर लॉ में, कितना हम अब क्लेम कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स इसमें फिल कर देंगे। मेन चीज़ है कंडीशन समझ लीजिए कि किस पर्सन को ये भरना है, कंडीशन मैंने बताई थी आपको। आगे डिस्कस करते हैं 7a 7b पे आते हैं, 7B पे एंड 7d, ये दोनों पॉइंट्स हम एक साथ दोनों टेबल डिस्कस करेंगे। रूल 117 सब सेक्शन सब रूल 4 इसमें लगता है। तो किसे फिल करना होगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, और जिसके पास इनवॉइस ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं, अदर देन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, मतलब मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के अलावा किसी के पास भी स्टॉक इन हैंड है और उस पर ड्यूटी पेड इनवॉइस नहीं है, तब भी वो एक तरह से कुछ क्रेडिट क्लेम कर सकता है। वो कौन से पॉइंट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं? 7a B 7 पॉइंट के लिए एंड 7d में स्टॉक की डिटेल फिल करनी पड़ेगी उसे। क्या क्या कंडीशंस हैं जब ये क्लेम कर सकता है? ये गुड्स होली एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए या निल रेटेड गुड्स नहीं होने चाहिए। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जरूर अवेलेबल होने चाहिए, एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस भले ही नहीं है लेकिन प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये स्कीम केवल 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है फ्रॉम 1st जुलाई 17।
इसे हर महीने ट्रान टू भी फाइल करना होगा, जितना आपने प्रोडक्ट सेल किया है, गुड सेल किया है, उसकी डिटेल फिल करनी होगी ट्रान टू में। एंड सच स्टॉक इस तरह से स्टोर किए जाएं कि इजीली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए कि इनके इन्वॉइसेस अवेलेबल नहीं थे, ड्यूटी पेड इन्वॉइस अवेलेबल नहीं थे, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, इन पर हमने क्रेडिट क्लेम किया है। ये क्लेम कैसे करेंगे समझते हैं। जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे जो आपके पास ड्यूटी पेड इन्वॉइस नहीं थे लेकिन प्रोक्योरमेंट इन्वॉइस डॉक्यूमेंट थे, तो अगर आपने प्रोडक्ट सेल किया आपको जीएसटी चार्ज करेंगे, तो अगर जीएसटी रेट आपकी 18% से 40% ऑफ सीजीएसटी क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए 18% से कम अगर आपकी रेट 12% है, 12% का सीजीएसटी कितना हुआ 6%, 6% का 40% मतलब 2.4% आप ट्रान टू में फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी रेट 18% या उससे ज़्यादा है तो 60% ऑफ सीजीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आईजीएसटी आप चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी अगर 18% से कम है तो 20% ऑफ आईजीएसटी पेड क्लेम करेंगे, अगर 18% या 18% से ज़्यादा है तो 30% ऑफ आईजीएसटी क्लेम करेंगे। एड डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। HSN कोड बाई डिटेल यहाँ पर भी फिल करनी है, यूनिट क्वांटिटी वैल्यू, वैल्यू इसमें पूछते हैं लोग कि क्या वैल्यू फिल होगी। अगेन मैं वही कहूँगा जो आपकी वैल्यू आ रही है माइनस जितना एलिजिबल आपकी ड्यूटीज है, उसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो वैल्यू आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एलिजिबल ड्यूटीज पेड ऑन सच इनपुट्स, एलिजिबल ड्यूटी हमारे पास कैसे आएगी, हम पे तो ड्यूटी पेड इन्वॉइस ही नहीं है। सो आई कैन रिकमेंड कि आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं ड्यूटी की, वही डिटेल आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका आंसर कोई भी नहीं है कि एलिजिबल ड्यूटी में क्या भरा जाएगा। एलिजिबल ड्यूटी एच पर 140 सबसेक्शन 10 में ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, सीवीटी, सेट, ये सारी ड्यूटी जी आएंगी। तो एलिजिबल ड्यूटी आपको रिवर्स कैलकुलेशन के बेसिस पे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड वेयर ड्यूटी पेड इन्वॉइसेस अवेलेबल में आप नो सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे आपको ये 7D फील्ड भी भरना पड़ेगा, 7D जो टेबल है वो भी फिल करनी पड़ेगी। 7D किसको फिल करनी पड़ेगी, जो स्टॉक आपके पास है जिसका इन्वॉइस का सपोर्ट नहीं है, इन्वॉइस या डॉक्यूमेंट ड्यूटी पेड इन्वॉइस का सपोर्ट नहीं है, उसे ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इनपुट्स की डिटेल भी फिल वैसे ही करनी है जो स्टॉक की 7D में, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी, वैल्यू या टैक्स पेड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे, 7A, 7B, 7C, 7D। अभी मैंने 7 स्मॉल भी डिस्कस नहीं किया, वो भी डिस्कस करते हैं। 7 स्मॉल भी सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 के बेसिस पर फिल करना है। किसे फिल करना है, अगर आपके इनपुट या इनपुट सर्विसेज इन ट्रांजिट हैं, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव करता है इनपुट या इनपुट सर्विसेज आफ्टर 30 जून 2017, मतलब 1 जुलाई से लेके आप अगर कभी भी रिसीव करते हैं विद इन 30 डेज, आपको ये बुक्स में डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो स्टॉक इन ट्रांजिट में आपके पास है ड्यूटी आपके पुराने एक्ट के बेसिस पे हो गई, ड्यूटी पे हो गई, तो आपको दोबारा जीएसटी ना चार्ज हो, इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया है। तो अगर आपकी ड्यूटी पहले पे हो चुकी पुराने एक्ट में एंड आपका इनपुट या इनपुट सर्विसेज 30 जून के बाद रिसीव हुई है, तो आप इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं, आपको दोबारा ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। इनवॉइस या ड्यूटी डॉक्यूमेंट बुक्स में एंटर हो जाने चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मतलब 30 जुलाई 2017 तक फिल हो जाने चाहिए। एक्स्ट्रा 30 डेज मिल सकते हैं अगर कमिश्नर का अप्रूवल है तो। ड्यूटी टैक्स हम एग्जिस्टिंग लॉ के बेसिस पर पे हो जाना चाहिए, इस केस में सर्विस टैक्स इनपुट भी अवेलेबल होगा। अगर आपका सर्विसेज से रिलेटेड भी इस तरह का कोई इनवॉइस है जिसका सर्विसेज आपको बाद में हुई लेकिन सर्विस आपने सर्विस टैक्स पहले पे कर दिया, तो भी डॉक्यूमेंट डिटेल इसमें फिल करनी होगी। क्या डिटेल फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनवॉइस नंबर फिल करना है, इनवॉइस डेट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, UQC, वैल्यू, एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वैट, वैट और ड्यूटी दोनों ही आ जाएंगे इसमें, सर्विस टैक्स भी फिल कर सकते हैं, एंड कौन सी डेट में आपने बुक्स में एंटर किया है, 30 डेज के अंदर बुक में एंटर हो जाना चाहिए वरना आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब 140 सबसेक्शन 8.8 पर आते हैं, ये 0.8 किसे फिल करना है, जो पर्सन एग्जिस्टिंग लॉ में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किए थे, तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर अगर उनकी रिटर्न में कोई इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उन्हें ये डिटेल फिल करनी है। तो
कंडीशंस क्या क्या हैं, सेनवेट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन रिटर्न, रिटर्न 3 महीने के अंदर अंदर फर्निश हो जानी चाहिए। इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि 3 महीने यहाँ पर है एंड 90 डेज अलाउ किया है ट्रान-1 फॉर्म फाइल करने के लिए, जो कैलकुलेट करने पर 20 सितंबर आता है। तो इसका मतलब आपको 20 सितंबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट अलाउड हो जाएगा ओरिजिनल रिटर्न के बेसिस पे, या फिर अगर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किए तो उसके बेसिस पे। अगर कंडीशन ये है रिवाइज रिटर्न में आपने क्लेम कम किया हो, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ओरिजिनल रिटर्न में ज़्यादा है एंड रिवाइज रिटर्न में कम है, तो ठीक है। ओरिजिनल रिटर्न में ज़्यादा है, रिवाइज रिटर्न में उससे ज़्यादा है ओरिजिनल रिटर्न से, तो आपको प्रॉब्लम है। ITC GST एक्ट में भी अलाउ होना चाहिए। क्रेडिट किसी भी पैन नंबर पे आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था, अब आपका पैन के बेसिस पर 4 अलग अलग स्टेट में 4 रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, तो आप किसी भी पैन रजिस्ट्रेशन बेसिस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली, हरियाणा, गुजरात 3 स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप चाहते हैं दिल्ली वाले पे आपका ट्रांसफ़र हो इनपुट क्रेडिट, आप कर सकते हैं, पैन सेम होना चाहिए। फिर नॉर्मल डिटेल्स फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग, कौन सी डेट को फाइल की थी, रिटर्न, बैलेंस एलिजिबल सेनवेट क्रेडिट कितना है, GST IN ऑफ रिसीवर कितना क्या था, ITC ऑफ सेंट्रल टैक्स कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट जो आपने रेज किया है इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका नंबर क्या है एंड डेट क्या है। सिंपल डिटेल्स थी। फिर तो डिटेल्स के आप कैसे फिल करनी है, मैं पहले ही आपको रिमाइंड करा दूँ अगेन कि वीडियो इसके ऊपर पूरी कंप्लीट आपको मिल चुकी है, आप उसमें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, पॉइंट 9 डिस्कस करते हैं। पॉइंट 9 किसे फिल करना है, पर्संस जिनका स्टॉक जॉब वर्कर के पास है या फिर आप स्टॉक कैरी कर रहे हैं एज ए जॉब वर्कर। कंडीशन क्या है, अगर वो जॉब वर्कर के पास जो आपका गुड्स है अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिटर्न हो जाता है तो आप पर कोई टैक्स पेबल नहीं होगा। अगर 6 मंथ्स के अंदर रिटर्न नहीं होता तो जो आपने इनपुट क्रेडिट पुराने एक्ट में क्लेम किया था वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 8A। 2 महीने की एक्सटेंशन भी मिल सकती है अगर कमिश्नर अप्रूव करे तो। डिटेल्स आपको पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे फिल करनी है। जो स्टार्टिंग डिटेल है वो जॉब वर्कर प्रिंसिपल फिल करेगा जो जॉब वर्कर के बेसिस पे हैं, एंड सेकंड डिटेल ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, आप जॉब वर्कर की तरह जो आपके पास स्टॉक रखा है उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट पॉइंट में भरनी है। तो सिंपल डिटेल्स हैं। फिर तो डिटेल फिल कैसे करनी है पहले डिस्कस हो चुका है, आगे चलते हैं। पॉइंट 10 डिस्कस करते हैं, Section 62 सब सेक्शन 14 के बेसिस पे ये फिल करना है, लेकिन ये SGST एक्ट का है। अभी तक जितने सेक्शन बताए थे वो CGST एक्ट के थे, तो इसमें डिटेल फिल करनी है जो प्रिंसिपल कौन फिल करेगा, पर्सन हैविंग स्टॉक हेल्ड इन एज एजेंट। अगर आप एजेंट की तरह स्टॉक आपके पास है तो आपको डिटेल फिल करनी है। कंडीशन क्या है, एजेंट इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकता है गुड्स पे या कैपिटल गुड्स पे, क्या कब कर सकता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट जब दोनों डिक्लेयर करें अपने Tran-1 में ये डिटेल्स, इनवॉइस ऑफ सच गुड्स इशूड नॉट अर्लियर देन 12 मंथ, मतलब जो इनवॉइस है वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर का होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल ने इनपुट का क्रेडिट नहीं लिया हो, मतलब ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल भी क्रेडिट क्लेम करें एंड एजेंट भी क्लेम करे, मतलब प्रिंसिपल ने अगर क्लेम नहीं किया है या फिर अगर क्लेम किया है तो रिवर्स कर दिया है, तो एजेंट इसका इनपुट क्रेडिट ले सकता है, GST में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। डिटेल सिंपल है, गुड्स इन स्टॉक हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो एजेंट के पास स्टॉक है उसकी डिटेल्स फिल करनी है, एंड सेकेंड पॉइंट में गुड्स इन स्टॉक हेल्ड बाई एजेंट, तो एजेंट के पास जो स्टॉक है उसकी डिटेल सेकंड पॉइंट में फिल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेक्शन 142 11C पॉइंट 11 डिस्कस करते हैं, ये CGST एक्ट का सेक्शन है। तो इसमें ये कहा है कि अगर आपका किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी चीज़ पे वैट एक्ट या फाइनेंस एक्ट में टैक्स पहले ही पे हो चुका है लेकिन सर्विसेज या सप्लाई आपकी GST एक्ट में आ रही है तो आप पर GST एक्ट एप्लीकेबल होगा। 1 जुलाई 2017 के बाद अगर सप्लाई ले रहे हैं तो GST एक्ट एप्लीकेबल होगा, आपको टैक्स GST के बेसिस पे देना पड़ेगा। लेकिन जो वैट या सर्विस टैक्स आपने पे किया था, वैट सर्विस टैक्स दोनों पे जिस चीज़ पे होंगे जिस सप्लाई पे होंगे उसी के लिए एप्लीकेबल है, दोनों चीज़ पे होनी चाहिए, तो उसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं।
अगेन रिपीट करते हैं, अगर आपने किसी सप्लाई पर वैट एंड सर्विस टैक्स दोनों पे कर रखा है लेकिन सप्लाई प्रोवाइड की है कुछ पोर्शन, मान लीजिए इसमें ये भी है कि कुछ पोर्शन आपने पुराने एक्ट के बेसिस पे सप्लाई प्रोवाइड की थी, कुछ पोर्शन जीएसटी में प्रोवाइड किया है, तो जितने पोर्शन की सप्लाई आपने जीएसटी एक्ट में प्रोवाइड की उस पर जीएसटी रेट के बेसिस पे ही जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन उस पोर्शन पर आप टैक्स तो पहले पे कर चुके हैं तो उस पोर्शन का आप क्लेम कर सकते हैं इस पॉइंट 11 के बेसिस पे, मतलब वैट और सर्विस टैक्स का पोर्शन आप अपने ट्रांजिशनल क्रेडिट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डबल टैक्सेशन ना हो इसलिए, मतलब सप्लाई जो आपकी 1 जुलाई के बाद हुई है उस पर टैक्स लगेगा जीएसटी के बेसिस पे, सप्लाई जो पहले हुई है जिस पे दोनों टैक्स पे हुए थे वैट एंड सर्विस टैक्स उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं जितना बाद में सप्लाई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी? रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ वैट भी चाहिए यहाँ पर, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों एक्ट में टैक्स पे होना चाहिए। इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट डेट, टैक्स कितना पे किया था आपने, सर्विस टैक्स पेड एज पर सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, एंड वैट कितना पे किया था, तो वैट जितना आप स्टेट टैक्स क्रेडिट के बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, जितना सर्विस टैक्स पेड एज सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, वो दोनों डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट 12 सेक्शन 142 सब सेक्शन 12 के बेसिस पे है कि जो गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं किसी कस्टमर को उसकी डिटेल्स भी आपको इसमें डिक्लेयर करनी होंगी। क्या कैसे, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट अप्रूवल बेसिस पे भेजा और कस्टमर ने आफ्टर अपॉइंटेड डेट मना कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बायर ने रिजेक्ट कर दिया, अप्रूव नहीं किया वो प्रोडक्ट, तो अगर आपका वो प्रोडक्ट 6 मंथ्स के अंदर रिटर्न हो जाता है तो कोई भी टैक्स पेएबल नहीं होगा। 6 मंथ्स के बाद अगर रिटर्न होता है तो जो पर्सन रिटर्न कर रहा है वो टैक्सेबल गुड्स, उस पर टैक्स लग जाएगा, और अगर रिटर्न नहीं होता तो सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा। एज्यूम किया जाएगा कि उसने ये प्रोडक्ट सेल कर दिया था, सिर्फ टैक्स सेविंग की वजह से डिक्लेयर नहीं किया था। तो इसलिए जो भी अप्रूवल बेसिस आपके आइटम हैं, जो भी आपने सेल किए हैं जीएसटी एक्ट से पहले, वो आपको डिक्लेयर करना कंपलसरी है। क्या क्या डिटेल डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जब आप इस टेबल पर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर जिसके बेसिस पर आपने अप्रूवल बेसिस पर गुड्स भेजा था, डॉक्यूमेंट डेट, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो, नेम ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन चाहिए उसका, यूनिट चाहिए, क्वांटिटी या वैल्यू, एड आइटम कीजिए, सेव कीजिए। आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी थी, एक बार फिर समराइज कर देते हैं। 5A, 5B, 5C में आपको डिटेल फिल करनी है, अगर आपकी पुरानी रिटर्न्स में कोई भी इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर कोई भी इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और आप वो कंडीशंस जो मैंने बताई फुलफिल करते हैं तो इनपुट क्रेडिट इस टेबल्स में फिल कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 6A, 6B में अगर आपका कैपिटल गुड्स का कोई अनअवेल्ड क्रेडिट है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 7A, 7B, 7C, 7D में अगर आप पुराने एक्ट में इनपुट लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे और आपके पास स्टॉक है तो आप इसमें उस स्टॉक की डिटेल फिल करके, या फिर अगर आप पे एक्साइज इनवॉइस वगैरह हैं तो वो इनपुट क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप पे ड्यूटी पेड स्टॉक भी नहीं है तो आप 40% 60% के बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। 8 पॉइंट में अगर आपका सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है एंड आपकी रिटर्न में कुछ इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पूरा आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी पेन पर आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं। 9A, 9B में डिटेल्स फिल करेंगे, अगर आपका स्टॉक जॉब वर्कर के पास है या आप जॉब वर्कर की तरह स्टॉक होल्ड करे हुए हैं तो 9A, 9B में डिटेल फिल होगी। सिमिलरली अगर एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है आपका, डिटेल फिल करनी है गुड्स सेल्ड इन स्टॉक एज एजेंट या ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल तो 10A, 10B में फिल करेंगे। अगर आपका कोई टैक्स आपने वैट एंड सर्विस टैक्स दोनों चीज़ का दे रखा था, मान लीजिए किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया जीएसटी के बाद भी आपकी सप्लाई अभी जारी है तो जो सप्लाई बाद में होगी उस पर टैक्स आप जीएसटी के बेसिस पे करेंगे, लेकिन उस पोर्शन पर जो सप्लाई जीएसटी में अब आ रही है उस पर जितना सर्विस टैक्स एंड वैट का आपने पोर्शन पहले पे किया था वो इनपुट में क्लेम कर लेंगे 11 पॉइंट में। 12th पॉइंट में हम फिल करेंगे डिटेल्स जो गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पे फिल किए थे, अप्रूवल बेसिस पर अगर सेंड किए थे गुड्स उसकी डिटेल्स डिक्लेयर करनी है हमें। एक
अगेन रिमाइंडर, कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है आफ्टर सबमिशन। अगर आपको ये डिटेल्स आप सेटिस्फाइड हैं, सारी डिटेल्स फिल हो गई, तो डिक्लेयर कर दीजिए आई वी ईयर वाइज सोलमली अफर्म एंड फिर सबमिट कर देंगे, फाइल विद डीएससी कर देंगे। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू।